हनुमान चालीसा के कुछ गुप्त चौपाई हैं, जिनको अगर निरंतर आप प्रयोग में लाते हैं तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपके जीवन में अनायास ही बदलाव हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक गुप्त चौपाई जो आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है, और इस गुप्त चौपाई से आप अपने जीवन में धन, रोग, कष्ट, ऋण, ये सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक दिन की विधि, अगर आप छोटी सी चौपाई को अगर इस नियम के साथ जपते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में आप खुद ही विद इन 15 डेज चेंजेस खुद नोटिस करेंगे। लेकिन वो क्या है और कौन सी चौपाई है, वो सारी चीज आज के इस वीडियो में। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हनुमान चालीसा हम सभी को मालूम है कि कितना पावरफुल है, लेकिन समय के अभाव से कभी कभी हम चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं या चालीसा पढ़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये गुप्त चौपाई के पढ़ने मात्र से, यानी गुप्त चौपाई को अगर आप मंत्र की तरह जपते हैं 108 बार, नहीं तो 21 बार, 11 बार, 51 बार और ज्यादा से ज्यादा 108 बार, तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत हो रहा है। और वैसे भी कहा जाता है कि हनुमान चालीसा जो भी इंसान अपनी कोई भी मनोकामना के साथ जाप करता है या फिर उसे डर लगता है, विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, धन नहीं है, कर्ज से परेशान है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो ऐसे इंसानों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे सिचुएशन से भी गुजरना पड़ता है कि उस वक्त हम सिर्फ एक चौपाई का सहारा ले सकते हैं। तो अगर बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो कोई भी परेशानी हो सकती है, जैसा मैंने कहा धन, कर्ज, प्यार, ऋण, बहुत सारी परेशानियां जो आप निरंतर उससे जूझे जा रहे हैं, तो ऐसे में आप ये चौपाई 108 बार प्रत्येक दिन, आप अगर चमत्कार देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी परेशानी का हल हो जाए, तो प्रत्येक दिन आप सुबह स्नान के बाद, सूर्य को जल चढ़ाने के बाद आप इस चौपाई का पाठ करेंगे। वो है अष्ट सिद्ध नवनीति के दाता अस्वर दीन जानकी माता। ये खुद में इतना पावरफुल है, जो इस चौपाई के जाप मात्र से एक कंपन पैदा होती है आपके शरीर में। हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से जो कंपन होती है, उसी तरह आप अगर इस चौपाई को निरंतर जाप करते हैं, तो आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि आपकी परेशानियां कैसे सॉल्व हो रही हैं। हनुमान चालीसा खुद में पावरफुल है, ये बताने की जरूरत नहीं। समस्याओं से निजात पाना है, हनुमान चालीसा को पढ़ना है और उसको संकल्प के साथ पढ़ते हैं या फिर किसी अनुष्ठान के साथ पढ़ते हैं, तो आपकी कोई भी समस्या क्यों नहीं है, वो सॉल्व जरूर हो जाती है। दूसरी बात, आपके शरीर में कंपन पैदा होती है, और इससे क्या होता है कि आपके शरीर में अगर डर है, आपको किसी तरीके का भय है, आपको किसी तरीके का अनजाना एक शक्तियों का डर है, तो फिर वैसे से भी आपको छुटकारा मिलती है। हमारे बॉडी के 7 चक्र में कंपन पैदा होती है, जिसका आभास होने लगता है उसके अच्छे गुड कॉजेस, गुड पॉजिटिव कॉजेस की वजह से। हर एक चक्र जब कंपन होता है तो वो एक्टिवेट होने शुरू कर देते हैं। तो दैट मींस जब आप अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चौपाई के पाठ मात्र से आपके जीवन में वो सारी परेशानियों को आप अंत कर सकते हैं। हनुमान चालीसा इतना पावरफुल है कि जिसे आज तक जो भी कार्य के योग में लाया गया है, वो कुछ भी हो सकता है, वो व्यापार हो सकता है, वो शादी हो सकती है, वो किसी की रक्षा हो सकती है, धन हो सकता है, ऋण हो सकता है, तो ऐसे में ये जबरदस्त काम कर चुका है। यानी कि हनुमान चालीसा हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। इसे कैसे प्रयोग में लाए, इसकी विधि मैं थोड़ी सी बता दे रही हूँ। अगर किसी कार्य की सिद्धि करना चाहते, किसी प्रॉब्लम से तुरंत उबरना चाहते हैं, तो इसे शुरू कीजिए या तो मंगलवार से या तो शनिवार से। करने के लिए सुबह जल्दी उठिए, स्नान कर लीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, ढीले ढाले वस्त्र पहनिए और लाल आसन का प्रयोग कीजिए। हनुमान जी की मूर्ति हो या फिर कोई पिक्चर हो,
उनके सामने घी का दिया या फिर सरसों का तेल का दिया या फिर तिल के तेल का दिया का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें 2 लौंग जरूर डालें क्योंकि आपकी विश है किसी चीज के लिए। जब आप इस चौपाई का निरंतर जाप करेंगे तो आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी 2 लौंग को आपको दीपक में जरूर डालनी चाहिए। 1 कपूर का टुकड़ा भी आपको जरूर डालनी चाहिए। उसके बाद आपको इस चौपाई को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता, इस चौपाई को आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप जरूर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा प्रत्येक दिन करते हैं यानी शनिवार से शुरू करते हैं तो प्रत्येक दिन कीजिएगा, अगर आप मंगलवार से शुरू करते हैं तो प्रत्येक दिन कीजिएगा, और अगर आपको अपनी किसी कार्य की सिद्धि के लिए है तो संकल्प के साथ कीजिएगा। जैसी भी स्थिति है आप अगर उस स्थिति को दिमाग में सोच कर अगर इस चौपाई का पाठ करते हैं तो आपको खुद दिखेगा कि आपके जीवन में कैसे ही निरंतर चेंजेस होते हुए चले जा रही है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की छोटी छोटी लेकिन बहुत कारगर बहुत चमत्कारी चीज़ें मैं आप लोगों के पास लाते रहूँगी ताकि आप भी अपने प्रॉब्लम से बाहर आए और दूसरों को भी हेल्प करें कि ऐसा करो भाई, मुझे तो फ़ायदा हुआ है तो आपको भी फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होती है कि अच्छी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो फैलने शुरू हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।